हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, देखिए आप सभी बच्चे क्लास 12th एग्जाम पास कर चुके हैं और कुछ कुछ बच्चों ने देखिए सीयूटी के एग्जाम भी दे दिए और कुछ बच्चों ने सीयूटी के एग्जाम भी नहीं दिया। आप बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको देखिए किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप BBMQ में, VBU में, SKMU यूनिवर्सिटी या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए देखिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। बाकी इस वीडियो को देखे हो सकता है कि आपके जो कह सकते हैं जो पसंदीदार चैनल्स वाले लोग हैं उस वीडियो को देख के अब मेरा अपनी तरफ वो लोग अपने राय बनाने लगे तो अच्छी बात है। देखिए क्योंकि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो कुछ ही बच्चों तक पहुंचेगी और इसके द्वारा उनके द्वारा क्या हो सकता है बच्चों का सही जानकारी पहुंचेगी। तो चलिए अल्टीमेटली यही रहेगा कि सभी के पास देखिए सही जानकारी पहुंच सके कि किनको कहाँ एडमिशन लेना रहेगा, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर आप में से जो भी बच्चा देखिए बेसिकली CUT एग्जामिनेशन दे दिया है तो उसके लिए तो देखिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का रास्ता खुला हुआ है और जिसने CUT नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए बेसिकली हमारे झारखंड में देखिए एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बोला हुआ है कि वो अपना पोर्टल खोलेंगे जहां पर 50% बेसिस पे 50% CUT का आधार पे और 50% जो होगा वो आपका नॉन CUT का आधार पर आपका एडमिशन ले जाएगा। अब किस बेसिस पे देखिए ये होने वाला है ये अभी कंप्लीट क्लियर नहीं किया गया कि आपके 12th के मार्क्स पे CUT के आधार पे या कैटेगरी बेस्ड, वो सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए जब तक CUT रिजल्ट जारी हो तब तक कुछ नहीं बता सकता। तो BBMQ यूनिवर्सिटी में आप बिना CUT का एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपके पास देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटी हमारे कह सकते झारखंड में, एक BBU है, एक SKMU यूनिवर्सिटी है, बहुत तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है और हमारे पास चलिए एक लिख देता हूँ रांची यूनिवर्सिटी और भी लिख सकता हूँ, देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है या शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, डॉक्टर श्यामा यूनिवर्सिटी, आप तो समझ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, देखिए आप आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, देखिए अगर बेसिक धनबाद और बोकारो जिले से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन क्या लेना है कहाँ लेना है कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए ताकि आप सभी बच्चों का भविष्य बेहतर रहे, मेरा इससे बेहतर नहीं जाएगा। मैं वीडियो डाल के क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कुछ बच्चों का सब्सक्राइबर आ जाएंगे, कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन भविष्य आपका यहाँ बने क्योंकि 4 साल आपको पढ़ना है तो सोच के रखो थोड़ा क्या करना है क्या नहीं करना, बेटर आपको जो लगे बाकी कर सकते हैं। VBU यूनिवर्सिटी है जो हजारीबाग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, SKMU यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद रांची क्षेत्र से, रांची यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ मैं इतना लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी बहुत सारे, आप कहाँ यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी एडमिशन लेंगे वो सबसे बड़ी बात रहता है क्योंकि भाई पैसा तो आपका जाएगा जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लीजिए उसमें आपको पैसा तो लेगा, कुछ कोई कम लेगा कोई ज्यादा लेगा, बात यही रहता है थोड़ा। अब आप कहाँ जाइएगा, देखिए धनबाद जैसे मैं बता दिया कि अगर आप बेसिकली देखिए अगर आपकी फैमिली की क्षमता है, अगर आपके फैमिली के पास कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छे आपके घर का कंडीशन है तो आप मेरे हिसाब से देखिए बता दे रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जो मुझे देखिए इतने साल से मैं जब यूनिवर्सिटी के बारे में जानता रहता हूँ तो ये यूनिवर्सिटी देखिए सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप झारखंड से रहना चाहते हैं, झारखंड में रहकर पढ़ना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, सबसे अपडेटेड टाइम पे जो करता है वो ये यूनिवर्सिटी का सबसे परफेक्ट टाइम लगता है, जो मेरा एकदम एक्सपीरियंस है कि मैं लगातार देखा हुआ ये अपडेटेड टाइम पे लेता है। एक ये यूनिवर्सिटी, एक ये यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी जहां पर करेक्ट टाइम पे होता क्या है, एग्जामिनेशन भी होता है, फॉर्म फिलअप भी होता है, सब कुछ प्रोसेस चलता है। इसका यूनिवर्सिटी का ये होता क्या है मैं बता देता हूँ, इनका सब कुछ वेबसाइट सब कुछ अपडेटेड रहता है। इस यूनिवर्सिटी दिक्कत क्या है वो भी जान लीजिए कि इनका जो जानकारी है वो अखबारों में थोड़ा कम ही पहुंचता है, ये इनका थोड़ा सा कैसा डिमेरिट रहता है। बाकी इनका देखिए करंट रांची का न्यूज में आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कब क्या चल रहा है कब नहीं चल रहा है, BBU का बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर रहता है। बाकी यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छे है दोनों यूनिवर्सिटी है। देखिए पढ़ाई जान लीजिए कि पढ़ाई कह सकते हैं हमारे झारखंड में ना ही स्कूलों में होती है, ना ही कॉलेज में होती है, ना ही विश्वविद्यालयों में होती है, कहीं नहीं होती बेसिकली। तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ा जान लीजिए बेसन का ये हमारे झारखंड बेसिकली। क्योंकि जहां तक जैसे कि जो बच्चे BHU में जाना चाहते हैं, DU यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारा रास्ता है क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है जो BHU में है, दो फ्रेंड एक DU में भी है, तो उन्होंने बेसिकली उनका जो रिस्पॉन्स था उन्हीं से पता चलता है कि हाँ यहाँ मोमेंटम है, बच्चा पढ़ता भी कम से कम। लेकिन अगर मैं बात करूँ देखिए झारखंड से बाहर नहीं जाना चाहते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, मजबूरन देखिए आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, कह सकते हैं हमारे समाज का ऐसा नियम कि भाई कुछ नहीं कर रहा चलो ग्रेजुएशन करते हैं या PG करते हैं, सब इसी बात है, ठीक है। तो आप इन यूनिवर्सिटी में लेके जा सकते हैं, एक ये यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक ये यूनिवर्सिटी है, एक ये यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, तीन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। एसक्यू में थोड़ा सा दिक्कत है कि ये भी थोड़ा अपडेटेड कम रहते हैं, कह सकते हैं आजकल के डिजिटल जमाने में थोड़ा सा पीछे बन सकते हैं। इन यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा दिक्कत ही है, अच्छा यूनिवर्सिटी लेकिन एग्जाम में तो थोड़ा जो चलता है वो थोड़ा डिले चलता है। और ये यूनिवर्सिटी जिससे सबसे ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो बेसिकली मैं बताता हूँ, इस यूनिवर्सिटी का देखिए है कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत ये पता ही है एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होता है, एक महीना में एग्जाम हो जाता है कभी कभी। बाकी अभी आप लोग सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा ना, तब आपके साथ बहुत मतलब कह सकते हैं कि हमारे बंगाली में देखिए एक कहावत है कि नया में बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा आपको, तो बंगला समझ नहीं आएगा इसे बता रहा, बाद में पुराना जैसे आपकी इज्जत घट भी जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी ये दिक्कत होता है। बाकी पढ़ाया मैं बता देता हूँ कि पढ़ाया आपको किसी भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, हो सकता है इस यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ मेरे फ्रेंड सर्कल है, इनका सिस्टम तो बहुत अपडेटेड रहता है। बाकी आपके पास धन्यवाद बोकारो जिला से करते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, सारा का सारा प्रोसेस चलने वाला है। बाकी देखिए आपकी मर्जी है क्योंकि यहाँ रिजल्ट क्या होता है लेट से आता है। अभी हाल ही में आपके जो प्रीवियस सेशन के बच्चे सेमेस्टर वन का, उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उनका एग्जामिनेशन में भी चार महीना से खत्म कम्प्लीट होने वाला, अभी तक उनका जो रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो सोच लीजिए किस प्रकार से व्यवस्था। बाकी अगर इस यूनिवर्सिटी हाल में जानकारी जाना चाहते हैं तो आपने आपके जो सीनियर से उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको जानकारी देते हैं। बाकी देखिए आपकी इच्छा है कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, मेरा अगर एक्सपीरियंस बताइएगा तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये भी एक प्रकार से बेस्ट है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन में जो बेस्ट बोला जाए, तो ये फर्स्ट चॉइस रहेगा, ये सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। बाकी झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटी है, वहां तो आपको दम भर मौका मिलने वाला पढ़ने का। लेकिन हमारे पास अगर हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो भैया हमारे पास एक तीन ही को यूनिवर्सिटी है, तो कह सकते हैं थोड़ा अपडेटेड में रहता है। अगर बात की जाए ये वीवीओ से क्यों बेटर, पता है ये थोड़ा सा डिजिटल जमाने की तरफ ज्यादा चलता है, अपडेटेड मोड में रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा अपडेटेड रहता है। लेकिन कह सकते हैं कारनामे इनके भी बहुत अच्छे अच्छे चलते रहते हैं। बाकी जानने के लिए कमेंट बॉक्स, अगर प्रीवियस वीडियो कमेंट पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो कमेंट पड़ेगा आपको पता चल जाएगा किस प्रकार सिस्टम चलता रहता है। बाकी देखिए बुराई मैं इनकी नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे झारखंड में सिस्टम ऊपर से ऐसा खराब रहता है कि हमारे शिक्षा मंत्री अलग चलते हैं, मुख्यमंत्री जी का तो बात ही अलग है, सब पूरा सिस्टम ही देखिए अलग चलता है। तो गलती यूनिवर्सिटी की नहीं, गलती हमारे पूरे झारखंड सिस्टम का है, और उसी से अफेक्टेड देखिए ये यूनिवर्सिटी या सब के सब अफेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने साझा कर दी, हो सकता है कि कुछ लोगों को भले बुरा लगेगा लेकिन जो फैक्ट देखिए मैं बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस का आधार पर बता रहा, लगातार जो दो चार वस्तु देख रहा वही मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मिलता है तब तक जय हिंद।